स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम बिजनेस की बात में। मैं हूँ आपके साथ वंदना शर्मा। आज से देश भर में खुल गए हैं शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और ऑफिसेज, लेकिन कुछ खास बातों का रखना हुआ ख्याल। चलिए जानते हैं क्या ये खास बातें। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है और अब रोजाना औसतन 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। इस सभी के बीच आज से देश में अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है। बता दें कि 1 जून को भारत सरकार ने लॉकडाउन 5.0 यानी अनलॉक 1.0 की शुरुआत की थी, जिसका दूसरा फेज आज से खुल रहा है। सोमवार से देश में धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और मॉल खुलने की इजाजत मिली है, लेकिन कई तरह की पाबंदियों के साथ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सोमवार यानी 8 जून से खुलने वाले मॉल, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, टूरिस्ट प्लेस, मंदिर, मस्जिद आते जाते समय सभी को सरकार द्वारा जारी SOP का पालन करना होगा। अगर आप भी इन जगहों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो वहां जाने से पहले इन बातों को जरूर जानें। बात करते हैं मॉल्स के लिए जारी की गई गाइडलाइंस की। शॉपिंग मॉल आज से खुले हैं, लेकिन मॉल में सिनेमा हॉल, गेमिंग आर्केड और बच्चों के खेलने की जगहें पहले की तरह बंद रहेंगी। अगले आदेश तक इन्हें बंद रखने के निर्देश हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई SOP के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने के निर्देश जारी किए गए हैं। लोगों को कम से कम 6 फीट की दूरी के नियम का पालन करना होगा। मॉल में आने जाने वालों के शरीर के तापमान की जांच होगी। इन सभी स्थानों पर थूकना सख्त वर्जित किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर इसका उपयोग सभी को करने की सलाह दी गई है। साथ ही मॉल्स को बार बार सैनिटाइज करने का भी आदेश दिया गया है। अब बात करते हैं रेस्टोरेंट्स और होटल के लिए जारी की गई गाइडलाइंस की। तो गाइडलाइंस के मुताबिक रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ साथ वहां आने जाने वाले लोगों के लिए मास्क जरूरी है। साथ ही रेस्टोरेंट स्टाफ को ग्लव्स पहनना भी अनिवार्य है। होटल रेस्टोरेंट का मेन्यू डिस्पोजेबल होना चाहिए। साथ ही होटल में बैठने के दौरान 2 सीटों के बीच पर्याप्त दूरी रखने की सलाह दी गई है। रेस्टोरेंट में ग्राहक के जाने के बाद सीट सैनिटाइज करनी होगी। वहीं कंटेनमेंट जोन में होटल, रेस्टोरेंट आदि खोलने की इजाजत नहीं है। स्टाफ और गेस्ट को आपस में संपर्क में आने से बचना होगा। रेस्टोरेंट में सफाई और स्वच्छता का खास ख्याल रखना होगा। मंदिरों के लिए जारी की गई गाइडलाइंस। मंदिरों में इस दौरान प्रसाद नहीं मिलेगा। साथ ही मंदिरों में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य है। केवल स्वस्थ लोगों को ही मंदिर में जाने की इजाजत मिलेगी। वहीं मंदिरों में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए जागरूकता वाले पोस्टर और संदेश लगाने होंगे। मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या निश्चित होगी। आप अपने जूते चप्पल मंदिर के बाहर नहीं उतार सकते। या तो आप अपने जूते चप्पल गाड़ी में उतारें या फिर उचित दूरी के साथ अलग रखें। वहीं मंदिरों में श्रद्धालुओं की लाइन के लिए उचित दूरी को मार्क करना होगा। साथ ही भक्त भगवान की मूर्ति को नहीं छू सकते हैं। मंदिरों और धार्मिक स्थलों में प्रवेश और निकासी को अलग अलग रखना होगा। साथ ही मंदिरों में भजन और गायन मंडली पर भी पाबंदी होगी। अब बात करते हैं ऑफिसेज के लिए जारी की गई गाइडलाइंस के बारे में। आपको बता दें कि आज से सभी ऑफिसेज को खोल दिया गया है। ऐसे में ऑफिस जाते वक्त आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा। सरकार द्वारा SOP के मुताबिक ऑफिस में थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य है। कर्मचारियों को सहकर्मियों से सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। सभी कर्मचारियों मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्वच्छता का ख्याल रखना होगा। ऑफिस में कर्मचारियों के बैठने की जगह में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। अगर किसी को सर्दी खांसी है तो उसे ऑफिस में आने की इजाजत नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे नए यूजर हैं और हमारे चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का